हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं ओमान, मेरे भाई के घर। वो इब्रा में है, तो हम बाय रोड ट्रैवल कर रहे हैं दुबई रेसिडेंस के लिए। ओमान का वीज़ा फ्री है, तो हम बस अभी कुछ ही देर में निकलेंगे रेडी होकर के, और हम तकरीबन 6 आवर का ड्राइव करेंगे और हम इब्रा पहुंच जाएंगे। दुबई से इब्रा का डिस्टेंस है अराउंड 550 किलोमीटर्स, सो लेट्स एन्जॉय, आइए मेरे साथ। ये है दुबई ओमान बॉर्डर, यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमने फिर ज़्यादा वीडियो नहीं निकाली यहाँ पे, और हम सीधे निकल गए ओमान की ओर। ये हमारा बॉर्डर क्रॉस करने का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और बहुत ही इजी था। दुबई से हमने ओमान का बॉर्डर क्रॉस किया, तो हमें कहीं भी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना पड़ा, हमें गाड़ी में ही बैठना था। गाड़ी से ही हमारे पासपोर्ट वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स थे उनको दिखाने थे, वहीं से ही वो हमारे पासपोर्ट पे एग्जिट का स्टैंप मार देते हैं और हम गाड़ी आगे ओमान बॉर्डर की तरफ ले जाते हैं। ओमान बॉर्डर पे जाके आपको नीचे उतरना है, इमिग्रेशन बिल्डिंग में जाना है, वहाँ पे जाके आपको आपकी वीज़ा स्टैंपिंग करवानी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो स्टैंपिंग करवा के फिर आपके व्हीकल चेकिंग करा के आप ओमान के लिए निकल सकते हो। फाइनली हम भाई के घर पहुंच गए थे। घर पहुंच के रात को खा पी के सो गए, सुबह उठे और इब्रा की टूर के लिए निकल गए। इब्रा एक बहुत ही अच्छा टाउन है, तो हम शॉपिंग सेंटर में गए, गार्डन में घूमे, कुछ मॉल में गए, ये सब करके हमको नेक्स्ट डे सुबह निकलना था बुरेमी की ओर। बुरेमी में हमारे मामी रहते हैं, तो हमको उनके घर जाना था। तो आज हम आए हैं सलाम पार्क में, जो इब्रा में है ओमान में, फ्री पार्क है, यहाँ का बल्दिया का पार्क है। बहुत ही अच्छा पार्क है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है उसका। मजलिस है बीच बीच में, पीछे सारे माउंटेन। और यहाँ का पॉपुलेशन इतना नहीं है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो ये एक हम इसको टाउन बोल सकते हैं, इब्रा टाउन। बहुत ही अच्छा टाउन है, यहाँ पे हर चीज़ है, शॉपिंग सेंटर्स सारे हैं, लुलू है, बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स है जो यहाँ पे बहुत फेमस है, वो सारे शॉपिंग सेंटर्स यहाँ पे भी है। तो फैसिलिटीज़ बहुत सारी है, पार्किंग बहुत ही अच्छी तरीके से, सेम लाइक दुबई। किशन भाई साहब देखिए, किधर कैसा लग रहा है आपको? बस बढ़िया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी जगह है, एक बहुत ही अच्छा व्यू आपको दिखाता हूँ, देखिए। पीछे बहुत ही अच्छा व्यू है, पूरे माउंटेन से पीछे। ऊपर भी कुछ है, तो वहाँ ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर का व्यू बहुत ही अच्छा था, ये हम गार्डन के टॉप के व्यू पे आ गए थे, अब हम फिर से नीचे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो व्यू, किधर कैसा लगा आपको? बस बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो पहले भी यहाँ पे आ गए होगे? हाँ, 2-3 बार आया हूँ। अच्छा, चलो हमको भी आज देखने मिला। ये पार्क का नाम क्या है किधर? सलाम पार्क। सलाम पार्क, ओके। तो आप सब लोग भी जब ओमान आए, इब्रा में आए, तो सलाम पार्क में आए, बहुत ही अच्छा पार्क है।
किशन हाँ इतने मजा आई भी जा केदार भाई भागी ना आ गया जो कैम नहीं इसको तो गम है ना तो इसको फुल गम है पूछो कमल तू जा साथे अब हम निकल पड़े कुछ शॉपिंग करने के लिए तो हम 3-4 मॉल घूमे डिस्काउंट सेंटर जैसा कुछ था तो वहां पे घूमे तो अब हम है इब्रा में इब्रा ओमान में है ओमान का एक सिटी है और ये वहाँ का मार्केट है व्लॉग बना भी यूट्यूब बना के दिया उसका नाम मतलब मजा क्या है तो बोलो तारे कहीं हाँ बोलो के हम यहाँ पे गेम खेलने के लिए आए हैं और आधे लोग यहाँ पे गेम खेल रहे हैं अब हम इब्रा से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं बुरे में जो कि ओमान में ही है बट अलेन के एकदम करीब है बुरेमी में कमल के मामी रहते हैं तो अब हम वहां जा रहे हैं मिनी
ओमान की ढेर सारी यादों को लेकर के अब हम दुबई इंटर हो चुके हैं। अब घर पे जाएंगे, वीडियो एडिट करेंगे और पोस्ट करेंगे। और लास्ट में ये देखना मत भूलना कि केदार ने कैसे गुजराती में हमारे चैनल को प्रमोट किया है। हाय, आज अपनी चैनल ने लाइक सब्सक्राइब और शेयर वीडियो ने शेयर कर दीजिए। ओके बाय।